अगर हम अंधेरी वेस्ट में रहते हैं और मैं आपको समंदर का दर्शन नहीं करवाऊं, ये बहुत गलत होगा। बहुत ही प्यारा खूबसूरत बीच है ये, अंधेरी वेस्ट का फेमस बीच है, जहां पर दूर दूर से लोग यहां पर दर्शन करने के लिए आते हैं, लोग शांति पाने के लिए आते हैं। एक तरह से आप इसे पिकनिक स्पॉट भी कह सकते हैं। लोग मस्ती करने के मूड में आते हैं, जितने सारे लोग होते हैं अपने परिवार के साथ आते हैं, कोई कपल्स आते हैं। तो आपको मैं दिखाता हूँ कि वो कौन सा बीच है, और यही है वो बीच, वर्सोवा बीच दोस्तों, जिसकी मैं बात कर रहा था। आप देखिए कितने सारे लोग यहाँ पर घूमने के लिए आए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर दुकानें लगी हैं, इन्हें पता है शाम में इनकी बिक्री बढ़ने वाली है। जहाँ तक नज़र दौड़ाएंगे आपको बस लोग ही लोग दिखेंगे, और इन सब लोगों में भी आपको एक खास वर्ग के लोग दिखाई देंगे, जो अभी नौजवान हैं, जिनके दिल में अभी उमंगे हैं। ये है हमारा बीच, वर्सोवा बीच, यहीं से लोग आते हैं। और आप ये देखिए किनारे में पत्थर ही पत्थर पड़े हैं, क्या खूबसूरत मौसम हुआ है, आकाश में सूर्य कैसे अटखेलियाँ कर रहा है, ऐसा लगता है मानो सूर्य इस समंदर के सतह पर आ गया है और अपनी चमक बिखेर रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे में समंदर है, ये अरब सागर है, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी बस पानी ही पानी, पानी ही पानी। और इस बीच के किनारे, इस बीच पर बहुत सारे लोग आए हुए हैं, बहुत सारे लोग आते हैं इस खूबसूरती का आनंद लेने के लिए। आप देखिए आपको मेरे पीछे लोग दिख जाएंगे। वैसे अभी पूर्णतया शाम नहीं हुई है इसलिए आपको लोग कम दिखेंगे, लेकिन लोग आएंगे। जैसे जैसे शाम ढलेगी वैसे वैसे लोगों का आना शुरू होगा, और एक समय के बाद आपको ये खचाखच भरा हुआ मिलेगा। यही है वो प्यारा अंधेरी वेस्ट का वर्सोवा बीच, जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। तो चलिए आपको मैं आगे ले चलता हूँ। और ये रहा वो मर्ड आइलैंड का ताज रहेजा बिल्डिंग, जिसमें बड़े बड़े सेलिब्रिटी रहते हैं। तो इस तरह फ्रेंड्स हम लोगों ने वर्सोवा बीच घूम लिया है, अब हम लोग अपने घर की ओर प्रस्थान करेंगे। तो चलिए अगर आगे कुछ और होता है तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगा, लेकिन अभी के लिए बाय बाय।